This story is brought to you by tapeatale.com. एक रास्ता दिल का, एक रास्ता साहिल का, एक रास्ता दिल का, एक रास्ता साहिल का, दोनों को जब जोड़े हम क्या मिलता रास्ता मंजिल का। किसी डोर पर अपने हैं, किसी डोर पर सपने हैं, तुम पंछी बन समझ ना पाते कौन से सपने अपने हैं, कौन से अपने सपने हैं। बचपन से बड़े होते हुए ना एक सवाल ने मुझे बहुत परेशान किया है। मैं जहां भी जाता हूं वहां रास्ते में टकरा जाता है मुझसे। स्कूल के एडमिशन से लेकर कॉलेज के ग्रुप डिस्कशन तक बस एक ही सवाल, दैट वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। तो उसी सवाल का एक फैंसी सा जवाब देकर मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में ठीक ठाक सैलरी वाली जॉब ले ली थी। अब ऐसा है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए लड़के को जिंदगी जीने का एक गारंटीड तरीका सिखाया जाता है कि पहले आप इंजीनियरिंग कर ले, फिर एक अच्छी सी प्लेसमेंट लेके कुछ एक्सपीरियंस ले ले, और उसके बाद MBA कर ले और लाइफ सेट है। जो नहीं सिखाया जाता किसी एक मिडिल क्लास फैमिली में, वो है सपने देखना और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखना। शायद इसीलिए हर बड़ी कंपनी में बहुत से ऐसे क्यूबिकल होते हैं जहां दिल AC के टेम्परेचर से नहीं बल्कि नाउमीदगी से ठंडा पड़ा रहता है। कुछ सालों पहले मैं भी ऐसी एक कंपनी में काम कर रहा था। कॉलेज से ही जॉब प्लेसमेंट लग गई थी तो घर वाले जितने ज्यादा खुश थे उतना ही अच्छा मुझे भी लग रहा था। पहले के 3 महीने बहुत शानदार बीते, नई चीजें सीखने को मिल रही थी, सैलरी आ रही थी, मैं कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन और फैशन में फिट इन होने की कोशिश कर रहा था, ऊपर ऊपर से मैं बहुत खुश था। लेकिन मेरे अंदर क्या चल रहा था मैं वो जानने की कोशिश नहीं कर रहा था। जैसे ही 3rd और 4th महीना आया, चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुलकर मेरे सामने आने लगी। अब सैलरी वाले उस मैसेज की मुझे खुशी नहीं मिलती थी, क्योंकि 10-10 घंटे रोज काम करने के बाद वो जो पैसे आते थे ना, वो पैसे कम और मजबूरी ज्यादा लग रहे थे। मैं एक मशीन की तरह बनता जा रहा था। रोज सुबह अलार्म क्लॉक से उठो, बस पकड़ो, उसी क्यूबिकल में जाकर बैठो, बिना कुछ सोचे समझे एक के बाद दूसरी एक्सेल शीट भरते रहो और घड़ी की तरफ देखते रहो कि कब 6 बजेंगे और मैं यहां से निकल जाऊंगा। मंडे से ही सैटरडे के आने का इंतजार करते रहो और संडे सुबह से मंडे के वापस लौट आने के डर से सहम जाओ। इस दरमियान मैं थोड़े बहुत ओपन माइक्स में जा रहा था, वीकेंड्स पर कभी कभार शोज भी मिल जाते थे, लेकिन मेरे पास कोई सॉलिड प्लान नहीं था और ना ही मैं कोई प्लान बनाने की कोशिश भी कर रहा था, इस बात के डर से कि मुंबई बहुत महंगा शहर है। माना कि मैं इस जॉब से खुश नहीं हूं, लेकिन इससे आने वाली सैलरी से कम मेरा रेंट तो निकल रहा है। और ये जो जोन होता है ना, ये जो जोन जिसमें आपका दिमाग आपके दिल को ये समझा देता है कि कम से कम मेरा खर्चा पानी तो निकल रहा है, इस जोन में आप अपनी त्रासदी को अपना वरदान मानने लग जाते हैं। तो इसी बात में मैंने कुछ 2-3 महीने और निकाल दिए उसी कंपनी में, लेकिन अब मेरा पैटर्न बदल चुका था। अब ऑफिस में हर एक घंटे के बाद मैं 15-20 मिनट के लिए गायब हो जाता था। वॉशरूम में जाकर कमोड की सीट लगाकर उस पर बैठकर बस ये सोचता था कि ये मैं क्या कर रहा हूं अपनी जिंदगी के साथ। कभी कभार आंसू निकल आते थे ये सोचते हुए कि मैं अपनी ही कहानी को क्यों बदल नहीं पा रहा। फिर एक वेडनेसडे की शाम करीब 5 बजे जब मैं घड़ी की तरफ घूर रहा था तो पीछे से मेरी मैनेजर आई। उन्होंने मुझे एक एक्सेल शीट दी और कहा कि इसमें 250 सर्वर्स है, तुम्हें इसका पासवर्ड चेक करना है। आसान भाषा में एक पासवर्ड को कॉपी करना है, उसके सामने जो लिंक है उसे ओपन करना है, वहां जाकर वो पासवर्ड पेस्ट करना है, अगर वो चल गया तो आकर उसे ग्रीन कर देना है, अगर नहीं चला तो उसे रेड कर देना है, और ऐसा मुझे 250 बार करना है। She asked me, कल सुबह तक मिल जाएगा? I said, sure, ma'am. लेकिन इस श्योर मैम में ना कुछ अलग बात थी जो वो समझ नहीं पाई। मुझे लगता है हम सबकी जिंदगी हमें एक मौका जरूर देती है अपनी कहानी का हीरो बनने के लिए, और मुझे लगा ये मेरा ही मौका है। अब आप इसे पागलपन कहे या बहादुरी, ये आपके ऊपर है। मगर जैसे ही मेरी मैनेजर उठकर गई, मैंने अपने डेस्क पर रखी 2 सबसे जरूरी चीजें उठाई। पहली वो डायरी जिसमें मैं अपनी कविताएं लिखता था, और वो एक कोट
जिसके ऊपर लिखा हुआ था यू राइट योर ओन स्टोरी। मैंने उन दोनों को अपने बैग में डाला, खड़ा हुआ, एक बार चारों तरफ देखा, देन आई टुक माई बैग एंड वॉकड आउट ऑफ द ऑफिस। आई हैड नो आइडिया, नो क्लू व्हाटसोएवर दैट व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं सर्वाइव कैसे करूंगा या मैं कल क्या करने वाला हूं उठकर। लेकिन उस वक्त ऑफिस से बाहर निकलते हुए जितना आजाद मैंने अपने आप को महसूस किया था, उतना मैंने आज तक बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। उस दिन मेरे दिल ने मेरे दिमाग को यह समझा दिया था कि जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम ये कर सकते हो कि नहीं। देखो ये हो गया है, आगे भी कुछ ना कुछ फिगर आउट तो हो जाएगा। और मेरा दिल सही था, थोड़ा बहुत फिगर आउट कर लिया है मैंने 5 सालों में। हाँ जी, आज मुझे ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं अपने उस जॉब से भागे हुए। आज भी मेरे पास कोई सॉलिड प्लान नहीं है। मुझे आज भी नहीं पता होता है कि 1 महीने बाद मैं कहां रहूंगा, क्या करूंगा, मेरे पास कोई काम होगा या नहीं, कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे, मुझे कुछ नहीं पता होता है। लेकिन एक चीज जरूर मालूम रहती है कि मैं जहां भी रहूंगा, जो भी करूंगा, अपने दिल से करूंगा। जितना दिल करेगा उतना करूंगा, जब दिल करेगा तब करूंगा, और मैं खुश रहूंगा। क्योंकि हम में से एग्जैक्टली कभी किसी को पता नहीं होता कि हम अगले 5 सालों में क्या करने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम सब कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेते हैं। तो अगर आपसे कोई अब जाकर या कल परसों में पूछता है दैट वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, पॉज योर लाइफ फॉर अ मोमेंट एंड थिंक वेयर वर यू एग्जैक्टली 5 years अगो, व्हाट वॉज दैट वन स्टूपिड थिंग दैट यू डिड, व्हाट वॉज दैट वन मोमेंट ऑफ करेज यू हैड, what was that one leap of faith you took that brought you here and that made all the difference. Think about it, do it, and keep doing it again and again, because that is going to keep you happy, not just for 5 years, but for the rest of your life. Tum panchi ban udte jao, aasman se judte jao. Tum panchi ban udte jao, aasman se judte jao. खुली आंखों से जो देखे हैं, बंद आंखों पर भी सेके हैं, वो सारे सपने अपने हैं, वो सारे अपने सपने।